Good morning, everyone. Hello, good morning, everyone. Myself, Shobham Gupta. And I welcome you all to Anacademy's India's largest e-learning platform. So I hope with the help of this platform, you are enhancing your preparation and day by day getting closer to your goals. So we'll start our session. This is your lecture number 22, and it is on traffic science. We have covered almost 90% of traffic engineering. Uh, only one or two part uh, is remaining. So we'll cover it in the upcoming one or two days so before starting our session here is a brief introduction about myself you can just pause the video and have a look on it okay so the first question that comes in any student mind is that whether you should go for an academy plus platform or not so to ease out for you i have listed few but major advantages that the plus platform offers you so the first advantage is that there will be unlimited enrollment there is no foundation for the enrollment if there is n number of courses running on the platform you can get yourself enrolled in those courses and enhance your studies so this is a very good advantage by the help of this uh, facility you can customize you can modify your study plan if you think a particular subject needs a uh, special attention let's say uh, structure or steel structure needs special attention so you can give more time on that particular subject and any other particular any other subject that uh, that you think that uh, that you know uh, very well सो यू कैन डिक्रीज time on that so you can <coughs> shift the timing you can vary the timing for uh, various subjects offline coaching कोचिंग में क्या होता है कि आपका जब भी coaching run होता है तो सारे subjects को एक ही pace के साथ रन करना पड़ता है उनको बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अज्यूम क्या करता है कि सबकी जो नॉलेज है वो एक बेसिक लेवल पे है बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है आपकी नॉलेज और आपके फ्रेंड की नॉलेज दोनों की अलग अलग होगी किसी को कोई सब्जेक्ट बेटर तरीके से आता है किसी को दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता तो यहां पे आप अपने उस सिस्टम को कस्टमाइज कर, कर सकते हो आप अपनी स्टडीज को एनहांस कर सकते हो नेक्स्ट इज लाइव क्लासेस यस देर विल बी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस जिस भी कोर्स में आपने आपने आपको एनरोल करा रखा है वहां पे लाइव क्लासेस होगी लाइव क्लास का एडवांटेज क्या होता है यू कैन इंटरेक्ट विद द टीचर यस अगर कोई डाउट है आप इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से अपना डाउट उस टाइम पे क्लैरिफाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे ही वो डाउट क्लैरिफाई होना जरूरी है सेकेंड इज दैट अगर आप लाइव क्लास को नहीं अटेंड कर पाते किसी भी रीजन की वजह से बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी रीजन हो सकता है ठीक है ह्यूमन है कोई ना कोई कंसेंट आ सकता है सो बेस्ट एडवांटेज दैट दैट पर्टिकुलर लेक्चर दैट यू हैव मिस्ड विल बी अवेलेबल इन ए रिकॉर्डेड फॉर्म आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा आपके लिए तो आपको जब भी टाइम मिलेगा आप उस टाइम पे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो उस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते आपका हो आपका मिस नहीं होगा लेस से आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग अटेंड किया हुआ था वहां पे किसी रीजन आप की वजह से आपकी दो या तीन दिन का क्लास मिस हो गया तो वो कभी भी आपको रिपीट नहीं होता है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज जो भी क्लासेस थी वो केवल लाइव फॉर्म में थी बट यहां पे अगर आपने मिस कर दिया किसी भी रीजन की वजह से तो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे उसको स्टडी कर सकते हो दूसरा क्या है अगर आपको लगता है कि लाइव क्लास ऐसे टाइम पे रन हो रही है कि आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो आप यू मे बी इन योर जॉब आप जॉब में हो सकते हो आप अपने कॉलेज में हो सकते हो तो आप क्या कर सकते हो आपका जो भी कन्वीनियंट टाइम होगा उस टाइम पे जाके लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो आप देख सकते हो बस डिफरेंस क्या होगा आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे एजुकेटर से नेक्स्ट इज दैट स्ट्रक्चर लर्निंग यस आपको पता है फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप प्रिपेयर करते हो मिनिमम सिक्स मंथ टू ट्वेल्व मंथ ऑफ ड्यूरेशन एंड जो भी आपकी प्रिपरेशन होती है वो जज कितने ड्यूरेशन में होती है वो एक सिंगल डे में आपका जज होगा और एग्जामिनेशन होता है आपका थ्री आवर्स का या फिर टू प्लस थ्री आवर्स का ई की अगर मैं बात करूँ तो तो अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म नहीं किया सो so ऑटोमेटिकली जो भी आपकी साल भर की मेहनत थी वो वेस्ट हो जाती है नो डाउट नॉलेज आपने गेन किया लेकिन आपका एम था पर्टिकुलर ईयर में एग्जामिनेशन को क्रैक करना बट यू आर नॉट एबल टू क्रैक जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन दैट थ्री आवर ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते हैं गेट एग्जामिनेशन की या ई एस एग्जाम स्पेशली गेट एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ एंड जब गेट एग्जामिनेशन पास आने वाला होता है या एक महीना रह गया या आपका फिफ्टीन डेज रिमेनिंग है एग्जामिनेशन होने में तो वहां पे आके स्टूडेंट कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है ना अभी स्टार्टिंग में आप क्या है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा फिर उसके बाद आपका सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप फिर थर्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बट एग्जामिनेशन से पहले आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वो उस टाइम पे आई एंड टाइम पे आपका रिवीजन कंप्लीट हो आपका आपको प्रेशर बिल्डअप ना हो सो so उस केस के लिए <coughs> उस केस के लिए आपका जो भी यहाँ पे कोर्स डेवलप किया गया है वो इसी को कंसीडर करके किया हुआ है सो so, दैट so उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको आ, आप इजली प्रिपेयर कर पाओ नेक्स्ट इज दैट डेडिकेटेड डाउट सेशन यस डेडिकेटेड डाउट सेशन कंडक्ट होगा वहां पर डेडिकेटेड डाउट सेशन कंडक्ट होगा सॉरी फॉर दैट कुछ इशू था ओके okay. तो वंस यू हैव डन योर सेल्फ स्टडी आपने एक बार सेल्फ स्टडी कर लिया एक बार सीरीज ऑफ लेक्चर कंप्लीट हो गया आपका देन डाउट डेडिकेटेड डाउट सेशन होगा आपने आपको जो भी डाउट है वो आप क्लैरिफाई कर सकते हो बच्चों प्लीज़ एक मिनट के लिए वेट करना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है बार बार मैं उसको रिसीव करके बस आया द नेक्स्ट एडवांटेज दैट एडवांटेज दैट कोई आपको एडिशनल फी नहीं पे करनी है टेस्ट सीरीज की जो भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रही है प्लेटफॉर्म पे दैट विल बी फ्री फॉर यू एडवांटेज क्या है टेस्ट सीरीज फ्री करने का स्टूडेंट uh, के लिए स्टूडेंट के लिए एडवांटेज क्या है आपका प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाएगा जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही कम आपका नेगेटिव मार्किंग होगा ऑटोमेटिकली आपका ए आई आर इंप्रूव हो जाएगा इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो टू एग्जामिनेशन प्रिपेयर होके प्रिपेयर होकर आपको एग्जामिनेशन में जाना है अदरवाइज आप मत एग्जामिनेशन को मत लिखिए बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड इन एनी एग्जामिनेशन विदाउट प्रिपरेशन इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है नेगेटिव मार्किंग है आप बिना प्रिपरेशन के एग्जाम में अच्छा आ, आ, मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे सो दीज आर द एडवांटेजेस ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं जो कि आपका अवेलेबल होगा अंडर सिंगल सब्सक्रिप्शन ओके सो फॉर सब्सक्रिप्शन वॉट यू नीड टू डू जस्ट डाउनलोड द अकेडमी लर्निंग ऐप गेट यूर सेल्फ सब्सक्राइब द सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन इज अवेलेबल फ्रॉम वन मंथ टू ट्वेंटी फोर मंथ ऑफ ड्यूरेशन अगर आप एक बार प्रिपेयर कर चुके हो तो बेस्ट आपके लिए होगा ट्वेल्व मंथ ड्यूरेशन प्राइजिंग इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज अगर आप इसको कंपेयर करोगे ऑफलाइन कोचिंग से तो वहां पर आपको पे करना पड़ता था टू 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 पॉइंट फाइव लैक रुपीज इंक्लूडिंग योर ट्यूशन सली हर जगह पे वो अवेलेबल नहीं होती तो आपको हो सकता है सिटी भी चेंज करना पड़ता तो इतना अवेलेबल है एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद फाइनल जो आएगी आपका ट्वेल्व मंथ ड्यूरेशन का दैट इजी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज सिमिलरली अगर आप एक आपने एक बार भी प्रिपेयर नहीं किया आप थर्ड ईयर में हो आप फाइनल ईयर में हो या फर्स्ट टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बेस्ट आपके लिए क्या होगा 24 फोर मंथ ऑफ ड्यूरेशन आपको एडिशनल कितना मिला आपको एडिशनल वन ईयर का मिला अगर मैं ट्वेल्व मंथ से कंपेयर करूं एडिशनल फीस आपको कितनी पे करनी दैट इज ओनली फाइव कि आपको वन ईयर प्लान इंक्रीज हो गया आपको फीस कितनी देनी है एडिशनल फाइव थाउजेंड रुपीज़ एंड आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन कोड सो यू विल गेट द सेम प्लान ऑफ ट्वेंटी फोर मंथ ड्यूरेशन at 27,000 rupees. so if you are really serious about the preparation, then it is highly recommended to choose any of these plans. okay, so we'll start our session. <coughs> okay, so today we'll study about traffic signs. traffic signs. so this is lecture 23rd, 22nd. ट्राफिक साइन ट्रैफिक साइन इसमें जो आपका कोड यूज होता है पूरा का पूरा जो भी मैं आज लेक्चर पढ़ाऊंगा वो आपका कोड चाहिए किसी बुक से नहीं लिया हुआ है मैंने ठीक है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस इमेजेस मैंने निकाली हुई है उस कोड से सो द कोड इज आई आर सी आई आर सी सिक्सटी सेवन टू थाउजेंड ट्वेल्व जितने भी ट्रैफिक साइंस होते हैं उसके उससे रिलेटेड सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर कोड में मिल जाएगी अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं कोड आज ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक है दैट इज ऐट द रेट एस जी आई आई टी के मैं ये जो कोड है ये वहाँ पर शेयर कर दूंगा आप वहाँ से कोड को डाउनलोड कर पाओगे और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ पाओगे अगर आप अभी भी इंजीनियरिंग में हो सो इट इज़ रिकमेंडेड टू गो थ्रू दिस कोड इस कोड से आप ज़रूर पढ़ो तो आपको यू नो दैट वाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रैफिक साइन ट्रैफिक साइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है देखो ट्रैफिक साइन की ज़रूरत पड़ती है आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आपको पता है कि ट्रैफिक कंट्रोल एंड डिवाइसेस में आपका ट्रैफिक सिग्नल्स आते थे इंटरसेक्शनस आते थे एंड नेक्स्ट क्या था आपका थर्ड क्या था दैट इज़ ट्रैफिक साइन ट्रैफिक साइन आपने क्या कर दिया आपने एक जगह पे साइन को इंस्टॉल कर दिया वहां पे आपने जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी टू द यूज़र या वार्निंग कोई प्रोवाइड करनी थी या फिर कोई प्रोबिशन लगाना था आप ट्रैफिक साइन की हेल्प से वहां पे इंफॉर्म कर सकते हो रोड यूजर को आपको अगर बताना है कि स्पीड लिमिट कितनी है जब भी, अभी हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन में किया था जब हमने देखा था डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन जब हम सुपर एलिवेशन को डिजाइन करते थे तो आपका स्टेप थर्ड में क्या होता था स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड में हम क्या करते थे वेलोसिटी वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट करते थे वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट किया अब आपको पता है कोई आपका हाईवे है जिसकी स्पीड लिमिटेड दट इज हंड्रेड किलोमीटर पर आवर बट वहां पे आपका सुपर एलिवेशन सफिशेंट नहीं मिल रहा था कर्व पे तो आपको क्या करना पड़ा आपको स्पीड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो गया कितना आया दट इज सेवेंटी किलोमीटर पर आवर अब आपको स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप आप क्या करोगे वहां पे ट्रैफिक साइन इंस्टॉल कर दोगे दट इज स्पीड लिमिट इज व्हाट सेवेंटी 70 किलोमीटर पर आवर तो आपको 70 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा इस इस पर्टिकुलर रोड सेक्शन पे मूव नहीं करना है कोई स्पीड ब्रेकर है कोई स्कूल है आपका उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है रोड यूजर को कैसे पता चले आप जस्ट इमेजिन करो आप ड्राइव कर रहे हो आप कार में बैठे हो आप ड्राइव कर रहे हो आपको कैसे पता कि कर्व आने वाला है आगे और वहां पे स्पीड लिमिट कितनी है नहीं पता होगा ना आपको आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है वहां पे वो जो डायरेक्शन है वो किस सिटी को लेके जाएगा किस लोकेशन को लेके जाएगा नहीं पता आपको कोई फैसिलिटी है कोई फैसिलिटी है रोड के पास में आपका हॉस्पिटल है कोई आपका फ्यूल पंप है कैसे पता होगा आपको नहीं पता चल पाएगा तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है आपको ट्रैफिक साइन की हेल्प से ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई फैसिलिटी कहाँ पे है कोई हेयर पिन बैंड आया हुआ है आगे रोड में जाके हिली एरिया में जाके आप जा रहे हो हेयर पिन बैंड आया हुआ है इट इज समथिंग लाइक दिस ये रोड है आपका इस तरीके से तो पहले से प्रायर इंफॉर्मेशन देना ठीक है प्रायर वार्निंग देना प्रायर प्रोबिशन देना किससे किसकी हेल्प से होता है दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ ट्रैफिक साइन ट्रैफिक साइन की हेल्प से ये सारी चीजें हम करते हैं आप, आपकी तीन डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक साइंस होते हैं यार थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइन कौन कौन से ट्रैफिक साइन होता है एक होता है आपका प्रोहिबिटरी साइन प्रोहिबिटरी या फिर बोल सकते हैं हम उसको मैंडेटरी साइन या रेगुलेटरी साइन इसमें आप क्या करते हो इसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हुए लेस से इसका एक एग्जाम्पल होता है दैट इज स्टॉप साइन स्टॉप साइन इसका एक एग्जाम्पल है तो आपने अगर लगा दिया स्टॉप साइन तो वहां पे व्हीकल को स्टॉप करना ही करना है अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा कोलिजन हो जाएगा ट्रैफिक साइन का एक हेल्प और एक रीज़न uh, और होता है ट्रैफिक साइन हेल्प करता है आपका जो भी ट्रैफिक ऑपरेशन उसको सेफली कंडक्ट कराने में अगर ट्रैफिक साइन नहीं होगे तो आपका जो ऑपरेशन होगा वो सेफ नहीं होगा जस्ट इमेजिन जो स्पीड लिमिट है आपका हाईवे पे आप उसको रिमूव कर दो एक्सीडेंट बढ़ जाएगा आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था जो भी आपने वार्निंग दिया हुआ था कि कट ऑन डिवाइडर स्पीड ब्रेकर ये सारे आप इंफॉर्मेशन अगर आप हटा दोगे तो ड्राइवर को नहीं पता चलेगा ड्राइवर के पास सफिशियंट डिस्टेंस नहीं होगा स्टॉप करने के लिए अब जैसे मैंने बोला कि स्पीड लिमिटी सेवेंटी स्पीड लिमिट है अगर ये स्पीड लिमिट का साइन में रिमूव कर देता तो मुझे कब पता चलता कि स्पीड रिड्यूस करनी कब मुझे फील होता जब मैं आपका कर्व पे एंटर करता तो मैं कर्व पे एंटर कर रहा हूं कितनी स्पीड से हंड्रेड किलोमीटर पर आर की स्पीड से मुझे जर्क लगेगा आई फील जर्क ठीक है जर्क बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सडनली सेंट्रिफ्यूकल फोर्स आपका एक्ट कर रहा है तो जर्किंग की वजह से मैं क्या करूंगा मैं अपनी स्पीड को रिड्यूस करूंगा स्पीड को रिड्यूस करूंगा तो जरूरी नहीं है दैट माय व्हीकल व्हीकल विल बी इन सेफर कंडीशन आपका सेफ कंडीशन में होगा हो सकता है कि तब तक एक्सीडेंट हो जाए तो दोनों चांसेस होते हैं तो ट्रैफिक साइन से क्या है जो ड्राइवर है वो पहले ही अलर्ट हो जाता है पहले ही, हो पहले ही अलर्ट हो जाएगा स्कूल अलर्ट जाए. जाए. अलर्ट हो गया नो हॉर्न अलर्ट हो गया कि हॉर्न नहीं ब्लो करना सेवेंटी स्पीड लिमिट तो अलर्ट हो गया कि अब आप, आपको स्पीड रिड्यूस करनी है इतना सफिशिएंट डिस्टेंस अवेलेबल प्रोवाइड करते हैं हम कि दैट ड्राइवर 100 की स्पीड से मूव कर रहा है उसको 70 तक आना है तो उसको कितना डिस्टेंस देना चाहिए तो ये सारा चीज आपका किस में आ जाता है ये सारा चीज आपका आ जाता है ट्रैफिक साइन में हेयर पिन बेंड अगर आप पहले से नहीं बताओगे एक्सीडेंट हो जाएगा डेड एंड आगे रोड नहीं है डेड एंड है नहीं बताया आपने पहले से व्हीकल जो है रोड यूजर जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है एक्सीडेंट हो जाएगा so it is very important very important to install traffic sign right traffic sign at right location location bhi matter karta hai ye nahi ki aapne traffic sign laga diya aapka curve start ho raha tha yahan se aur yahi pe aapne traffic sign ko install kar diya no that is wrong that is totally wrong iska fir koi matlab hi nahi hoga because आपको sufficient distance भी provide करना है so that vehicle vehicle can manage ठीक है road user can manage that particular speed उस speed पे reduce कर पाए अगर उसको स्टॉप करना है तो स्टॉप कर पाए वो अपने व्हीकल को अलर्ट हो जाए पहले से अगर पहले से अलर्ट नहीं होगा तो कैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप एक अनसिग्नल्ड ठीक है अनसिग्नल्ड इंटरसेक्शन से या फिर आप अनसिग्नल रोड से सिग्नल रोड में आप एंटर करते हो तो वहां पे भी एक सिग्नल साइन sign होता है सो एज टू इन्फॉर्म द रोड यूजर दैट यू हैव एंटर्ड अ सिग्नलाइज रोड अब आपको सिग्नल्स पे ध्यान देना है आपको सिग्नल पे ध्यान देना पड़ेगा कि रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट है तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एट अ राइट लोकेशन एट अ राइट लोकेशन वो विजिबल भी होना चाहिए विजिबल नहीं है तो भी कोई उसका मतलब नहीं होगा आपका एम क्या है सारे के सारे जो भी रोड यूजर है उसको वो साइन विजिबल होना चाहिए वो साइन समझ में आना चाहिए <coughs> क्लियर तो सब सबका एक अपना सिग्निफिकेंस है उसका कलर क्या होगा उसका शेप क्या होगा उसका कितने डिस्टेंस पे आपको प्लेस करना है कितना हाइट पे उसको प्लेस करना है कितने एंगल पे उसको प्लेस करना है ये सारे के सारे अपने इंपॉर्टेंस होते हैं उसमें तो वील वन बाई वन डिस्कस दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है बट जो की पॉइंट्स है वो उसको डिस्कस कर लेंगे सो so दैट uh, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको Just Yes. ये जो भी इमेजेस है ये आपका आई एर आई कोड से लिया हुआ दैट आर सी सिक्सटी सेवन आई आर सी सिक्सटी सेवन फर्स्ट थिंग इज पर्पज ऑफ रोड साइन ऑफ़ रोड साइन इज़ द क्या है टू प्रमोट रोड सेफ्टी बिल्कुल सही बात है यही बोला था अभी टू प्रमोट रोड सेफ्टी एंड एफिशियंसी बाई प्रोवाइडिंग बाई प्रोवाइडिंग फॉर ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ all road user on all the road in both urban and nor non urban area yes it is right just a minute yes <coughs> clear so this is the purpose this is the purpose next talking about the principle about the principle related to road sign what are the principle so yes this code contains the basic uh, this can this code contain the basic principle so what are the principle fulfill a need yes obviously you need to फुलफिल द नीड्स ऑफ रोड यूजर रोड यूजर की जो भी साइन yes, को इंस्टॉल्व कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप पहले से कर रहे हो को. आप अटेंशन मोड में लेकर आ रहे हो आप फ्रीली मूव कर रहे थे सडनली आपको साइन देखता है स्कूल अहेड तो आपको क्या आप आना है? आपको अटेंशन मोड में आना है आपको अटेंशन मोड में आ जाना है नो no हॉर्न तो आपको अटेंशन मोड में आना है कि आपको कोई भी हॉर्न ब्लो नहीं करना है गिव वे आपको अटेंशन में आना है क्लियर नेक्स्ट कन्वे अ क्लियर एंड सिंपल मीनिंग बिल्कुल सही बात है जो भी आपका रोड साइन है उसका आप इस तरीके से इंस्टॉल करोगे जो भी आप साइन बनाया हुआ है आपने सिंबल जो बनाया हो वो क्या होना चाहिए क्लियर और सिंपल होना चाहिए इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड ठीक है क्लियर होना चाहिए विजिबल क्लियर होना चाहिए और सिंपल टू अंडरस्टैंड

आप ट्रैफिक साइन को जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो वो किसकी हेल्प के लिए आप कर रहे हो फॉर द रोड यूजर रोड यूजर जो भी है आपका रोड पे ठीक है वो सेफली मूव कर पाए उसको मैन्यूओवर आप प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है अवॉइडिंग डिले सो यू आर वॉट यू आर कमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम योर रोड यूजर रोड यूजर को रिस्पेक्ट करना है उस ट्रैफिक साइन को Yes, ट्रैफिक साइन को ऐसे जगह पर इंस्टॉल करना है सो दफिशियंट अवेलेबल हो अगर सफिशियंट टाइम अवेलेबल नहीं होगा रोड यूजर के पास तो उस साइन का भी कोई मतलब नहीं होगा क्लियर सो दीज आर देशिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग और इंस्टॉलिंग आ रोड साइन ओके सो द फर्स्ट साइन फर्स्ट साइन इज मैंडेटरी साइन और रेगुलेटरी साइन ठीक है एंड दिस इज ऑल्सो प्रोबिटरी साइन क्लियर मैंडेटरी रेगुलेटरी प्रोहबेटरी मतलब आपको कोई भी कंडीशन हो आपको ये साइन फॉलो करना ही करना है इट इज मैंनेडेटरी इट इज मैंडेटरी फॉर यू क्लियर अब इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो समझ लो शेप पूछता है ठीक है व्हाट इज द शेप ऑफ मैंडेटरी और रेगुलेटरी शाइन तो शेप इज सर्कुलर शेप है आपका सर्कुलर एक्सेप्ट एक्सेप्ट दो कंडीशन है आपकी जहां पे एक्सेप्शन है <coughs> uh, just a minute. Yes. कौन कौन सा आपका एक्सेप्शन होता है दैट इज योर स्टॉप साइन स्टॉप एक आपका एक्सेप्शन हो गया उसका शेप क्या होगा ऑक्टागनल बट वो आता किसमें है दैट इज योर मैंडेटरी एंड रेगुलेटरी साइन सिमिलरली अनदर एक्सेप्शन इज ये तो उसका जो साइन होता है उसका जो शेप होता है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू की आपको पता होना चाहिए मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन का शेप क्या होता है सर्कुलर शेप होगा बट दो एक्सेप्शन होता है एक आपका होता है स्टॉप साइन स्टॉप साइन कुछ इस टाइप का आपका होता है अभी मैं दिखाऊंगा अभी विद्प ऑफ इमेज स्टॉप तो दिस दिस इज नॉट सर्कुलर दिस इज वॉट ऑक्टागनल दिस इज ऑक्टागनल सिमिलरली गिवे गिव वे साइन तो दिस इज योर गिव वे साइन दिस इज ऑल्सो नॉट इन सर्कुलर शेप यह भी आपका सर्कुलर शेप में नहीं है यस So this is your mandatory and regulatory sign. Next is your अभी हम डिटेल में इसको भी देखेंगे कौन कौन से साइन आपके कवर होते हैं उसमें यस नेक्स्ट इज योर इंफॉर्मेटरी साइन अब बात करते हैं आपका इंफॉर्मेटरी साइन की इंफॉर्मेटरी साइन का मतलब क्या हो गया गाइड साइन का मतलब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेटरी एंड गाइड साइन शेप क्या होता है इसका दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप ये ध्यान रखना क्लियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग रिगार्डिंग कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपका मिल रहा है ठीक है कोई पार्किंग फैसिलिटी ठीक है फ्यूल स्टेशन ईटिंग प्लेस मैं सबका अभी इमेज शो करूंगा डोंट वरी सबकी इमेज शो करूंगा आप भी बस थोड़ा सा बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं फिर वापस सारी की सारी इमेजेस ही है हमारे पास एंड शेल बी अम्बल ओके ठीक है इन्फॉर्मेशन शाइन साइन इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड ऑल्सो यूज विद डिजिग्नेशन नेम एंड एरोस बिल्कुल सही बात है जो भी इंफॉर्मेशन है आपका कोई भी लोकेशन का इंफॉर्मेशन हो सकता है कोई सिटी है ठीक है उसका डायरेक्शन है या फिर आपका डाइवर्जन आ रहा है रोड में डाइवर्जन आ रहा है इस टाइप से तो ये रोड होगा वो डिफरेंट लोकेशन पे जा रहा है ये रोड आपका डिफरेंट लोकेशन पे जा रहा है इट इज गोइंग टू अ डिफरेंट लोकेशन सो यहाँ पे आपको मार्क भी करना है कि दिस पर्टिकुलर रोड इज गोइंग टू विच लोकेशन किस लोकेशन किस पे जा रहा है सो दैट यू कैन चेंज द लोकेशन इफ रिक्वायर्ड अगर आ, आपको रिक्वायर्ड है तो आप लोकेशन को चेंज कर पाओ अभी तो आपका नेविगेशन uh, सिस्टम आ गया बट नेविगेशन सिस्टम नहीं था तो सब किस पे डिपेंड करते थे आपका दिस डायरेक्शन साइन डायरेक्शन साइन की हेल्प से ही हम मूव कर पाते थे दिस इज योर इन्फॉर्मेटरी साइन शेप क्या होता है रेक्टेगुलर शेप होता है कलर की अभी हम बात करेंगे सो ओके दिस इज योर इन्फॉर्मेटरी साइन दिस इज योर इन्फॉर्मेटरी साइन इंफॉर्मेशन में आपको क्या मिल रहा है एक आपको फैसिलिटी का पता चल रहा है ठीक है फ्यूल पंप फ्यूल स्टेशन का डायरेक्शन शो किया हुआ दूसरा हो गया आपका डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन डायरेक्शन स्ट्रेट इज इज वोड्रा लेफ्ट आप टर्न करोगे तो सूरत राइट आप टर्न करोगे तो बर्डोली क्लियर सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फॉर्मेटरी साइन ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया इन्फॉर्मेटरी साइन का एग्जाम्पल हो गया ओके थर्ड इज योर वार्निंग साइन थर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ वार्निंग साइन Yes, it is rectangular in shape. Uh, just a minute. it is triangular in shape with red border, with the red border and black symbol in white background. So this is the shape and this is the color. ट्राइंगुलर शेप है बॉर्डर क्या है रेड कलर का साइन जो होगा जो भी सिंबल होगा वो ब्लैक कलर का होता है और व्हाइट उसका बैकग्राउंड होता है ये सब आपको याद करना जरूरी है तीन साइंस है डिफरेंट डिफरेंट तीनों के आपको शेप पता होने चाहिए और कलर होना कलर पता होना जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन uh, में पूछ देता है वन मार्क का क्वेश्चन में पूछ देता है आपका हर एग्जामिनेशन में ईएस में भी पूछ सकते ई ईएस में तो हो सकता है फोर uh, स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको सबके बारे में पता होना जरूरी है तो जो वार्निंग है वार्निंग साइन या कॉशनरी uh, साइन आपको क्या प्रोवाइड करता है आपको प्रोवाइड करता है कोई भी अगर वहां पे हेजार्डियस कंडीशन है आगे आगे रोड पे कोई भी हेजार्डियस कंडीशन है जहां पे आपका एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं ठीक है थीके? तो वो आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देता है डेड एंड ठीक है क्या है हेजार्ड है आपके लिए तो इन्फॉर्म कर दिया हेयर पिन बेंड हजार्ड है आप टर्न नहीं कर पाओगे अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहे हो दिस इज वॉट दिस इज प्रोवाइडिंग यू वार्निंग वार्निंग प्रोवाइड कर दी दिस नैरो सिक्स लेन का सिक्स लेन का रोड था फिर ब्रिज आ गया कितना टू लेन का ब्रिज आ गया सो so क्या हो गया नैरो अब वो नैरो हो गया स्कूल अहेड स्कूल आगे कोई स्कूल है तो आपने क्या कर दिया वार्निंग प्रोवाइड कर दिया आगे स्कूल है स्पीड को रिड्यूस कर दो आप ठीक व्हीकल के स्पीड को रिड्यूस कर दो बिकॉज आपको ब्रेक लगाना पड़ सकता है स्टूडेंट और चिल्ड्रन माइड बी क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर रोड सो दिस इज वॉट दिस इज वॉट कॉशनरी ऑफ वार्निंग साइन प्रोवाइड यू तो दिस इज एग्जाम्पल राइट टर्न राइट कर्व ठीक है राइट right कर्व आपका जो रोड है वो आपका टर्न कर रहा है कहां राइट right डायरेक्शन में दिस इज योर स्ट्रेट रोड दिस इज दर्व इस तरीके से आपका टर्न कर रहा है इट इज समथिंग लाइक दिस नेक्स्ट इज योर यस नेक्स्ट इज योर ओरिएंटेशन ऑफ साइन साइन के ओरिएंटेशन की बात करते हैं जनरली जो साइन जो आपका ओरिएंट किया होता दैट इज एट राइट एंगल टू द लाइन ऑफ जस्ट ये भी आपको पता होना चाहिए राइट एंगल टू द लाइन ऑफ ट्रैवल, दिस इज द लाइन ऑफ ट्रैवल, ठीक है जनरली हम किस पे रखते हैं हम 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं साइन को प्लेस एट 90 डिग्री बट <coughs> अगर आपका पार्किंग साइन है इफ वी टॉक अबाउट पार्किंग साइन सो आप कितने एंगल पे रखते हो उसको दैट इज 15 डिग्री 15 डिग्री के एंगल पे उसको रखते हो समझ में आ रहा है ना बच्चों रिस्पॉन्स करते रहो आप लोग साथ में ओके okay. ठीक <coughs> है सो so, जो पार्किंग साइन होता है वो हम कैसे रखते हैं दैट इज एट 15 डिग्री ठीक है 15 डिग्री एंगल बनाता है किसका कैरिज वे से फॉर द बेटर विजिबिलिटी उसी तरीके से अगर बोलते हैं अगर आपका लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ठीक है अगर आपका ग्लेयर इफेक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर साइन बोर्ड साइन बोर्ड से अगर आपका ग्लेयर इफेक्ट आ रहा है ऑल दो कंसिडर ऐसे करते हैं कि कोई भी ग्लेयर इफेक्ट नहीं आना चाहिए बट अगर ग्लेयर इफेक्ट आ रहा है तो हम क्या कर देते हैं उसको थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट कर देते हैं नाइनटी पे रखना था अब क्या कर दिया उसको नाइनटी फाइव एंगल पे रख दिया दिस इज ना नाइनटी फाइव सो क्वेश्चन में पूछ लेता है द रोड साइन आर यूजली अलाइंड एट नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव डिग्री येस इट इज राइट नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव डिग्री पे उसको अलाइन कराइटी फाइव डिग्री पे अलाइन करने से क्या हुआ जो भी आपका रिफ्लेक्शन हो रहा हो लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा होगा ठीक है वो रिड्यूस हो जाएगा दैट विल बी रिड्यूज ओके नाउ लेस टॉक अबाउट द कलर कलर कोडिंग यूज इन योर इन्फॉर्मेट्री साइन जो भी इन्फॉर्मेटरी साइन होता है उसमें जो आपका कलर कोडिंग यूज होता है उसकी बात करते हैं सो एक्सप्रेस वे में एक्सप्रेस वे में जो आपका कलर कोडिंग होता है दैट इज ब्लू वो आपका ब्लू होता है एंड जो एरो जो होता है दैट इज ऑफ वाइट कलर आपका जो भी एरो होगा वो वाइट कलर का होगा बैकग्राउंड क्या होगा आपका ब्लू कलर का होगा एक्सप्रेस वे की अगर बात करूं तो नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो दैट इज ग्रीन एंड वाइट स्टेट हाईवे सेम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सेम तो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेटरी साइन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर यू आर मूविंग ऑन एक्सप्रेस वे और वेदर यू आर मूविंग ऑन दीज टाइप ऑफ रोड नेशनल स्टेट हाईवे एंड एम डी आर विलेज रोड की अगर बात करें तो वहां पर अगर कोई भी आपका इंफॉर्मेटरी साइन है ऑब्वियसली डायरेक्शन वाला साइन जो होगा दैट विल बी ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड बैकग्राउंड व्हाइट होगा एंड जो आपका एरो होगा वो ब्लैक कलर में होगा तो so ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे आप बस दो का याद कर लो ठीक है जो दो इंपॉर्टेंट आपके हो गए हा डीज एक आपने एक्सप्रेस वे का और एक नेशनल हाईवे का ये आपको पता होना जरूरी है <coughs> तो ये आपको याद होना चाहिए एक्सप्रेस वे ब्लू वाइट एंड नेशनल हाईवे दैट इज ग्रीन एंड वाइट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर ओके तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं एग्जाम्पल्स अभी हमने आ, नहीं किए थे मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो व्हाट आर द एग्जाम्पल एग्जाम्पल आर स्टॉप एंड गिव वे साइन दीज आर द द्स अंडर मैंडेटरी एंड रेगुलेटरी साइन नेक्स्ट इज प्रोहिबिटरी साइन प्रोहिबिटरी साइन कोई भी प्रोबिशन आपने प्रोवाइड किया हुआ है ठीक है सो दैट इज रिलेटेड टू प्रोबिशन ऑफ मेनिवर ऑफ ट्रैफिक नेक्स्ट इज नो पार्किंग नो स्टॉपिंग कोई भी पार्किंग नहीं होनी है कोई भी स्टॉपिंग नहीं होनी है स्पीड लिमिट ऑब्वियसली ऑलरेडी डिस्कस रिस्ट्रिक्शन एंड यस कोई भी रिस्ट्रिक्शन था ठीक है स्पीड लिमिट का रिस्ट्रिक्शन था तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने ड्यूरेशन तक आपको वो स्पीड को फॉलो करना है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन एंड साइन भी हम लगाते हैं सो so दैट आपने अगर स्पीड रिड्यूस की थी 100 से 70 तो आप 70 से मूव कर रहे हो बट आपको यह कैसे पता चलेगा कि अब आप आपका रिस्ट्रिक्शन एंड हो गया तो वहां पे भी एक साइन को इंस्टॉल करते हैं दैट इज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड साइन तो वहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन एंड हो जाता है नेक्स्ट कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कोई आपने कंपलसरी डायरेक्शन बनाया हुआ है कि आपको यहां से मैंडेटरी राइट टर्न आपको राइट टर्न मैंडेटरी है आपको राइट right टर्न करना ही करना नो डाउट लेफ्ट टर्न भी था लेकिन आपको राइट right टर्न ही मूव करना है वहां ये हम कब प्रोवाइड करते हैं जब आपको एक वन वे डायरेक्शन में चैनलाइज करना होता है ट्रैफिक को सो so, उस केस में आपका हो जाता है दिस इज कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल से आपका रोड था एंड ये राइट right टर्न था तो so, आप स्ट्रेट भी जा सकते हो बट स्ट्रेट आपका अलाउड नहीं है सो दिस इज व्हाट कंपलसरी राइट टर्न आपको कंपलसरी राइट टर्न बे ही मूव करना है आप स्ट्रेट नहीं जा सकते हो ओके तो नेक्स्ट इज योर यस स्टॉप साइन एंड गिव वे साइन स्टॉप साइन एंड गिव वे साइन देख लो आप स्टॉप साइन एक्सेप्शनल था क्या है आपका हेक्सागोनल शेप है इस तरीके से होता है आपका बैकग्राउंड <coughs> कलर क्या है आपका रेड कलर है आपका बॉर्डर कलर क्या हो गया व्हाइट कलर हो गया एंड बीच में आपका क्या लिखा है स्टॉप साइन व्हाइट कलर से एंड शेप इज व्हाट शेप इज योर ऑप्टेगनल सिमिलरली गिव वे साइन साइन आपको देना लेफ्ट टर्न हो, आपको, आपको करना होगा आपको राइट right टर्न करना होगा तो जनरली क्या होता है इंटरसेक्शन पे आपका जो लेफ्ट टर्न जो मूवमेंट होता है उसको कभी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता सिग्नल से रिस्ट्रिक्ट नहीं होता आपको जब राइट right टर्न करना होगा तो रिस्ट्रिक्टेड होगा सो so, आपको यहां पे क्या करना होगा यू नीड टू प्रोवाइड अ अगेव वे नीड टू प्रोवाइड अ सो दैट जो लेफ्ट टर्निंग जो ट्रैफिक है वो लेफ्ट टर्न कर पाए अगर आपने अपने व्हीकल को यहां पे खड़ा कर दिया और आपको राइट right टर्न करना था तो लेफ्ट टर्निंग वाला व्हीकल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा सो इट इज जनरली अवॉइडेड नेक्स्ट हा वी है दिस जस्ट यस ये साइंस आपको पता होने चाहिए बहुत बारी एग्जामिनेशन में साइन के फोटो दे देगा और पूछ देगा कि क्या बोल रहा है ये। तो जो इंपॉर्टेंट साइंस है उसको मैंने यहां पे ले लिया है सो दिस दिस साइन इस साइन का मतलब क्या हुआ नो कार्ड प्रोहिबिट सॉरी बुलक कार्ड एंट्री मतलब बुलक कार्ड आपका प्रोहिबिटेड है आप उस पर्टिकुलर रोड पे बुलक कार्ड बैल गाड़ी लेके एंटर नहीं कर सकते सिमिलरली इसका मतलब क्या हुआ बुलक आपको दिख रहा है बुलक कार्ड है और दूसरा हैंड हैं 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 कार्ड दोनों प्रोहिबिटेड है आप उस पर्टिकुलर रोड पे इसको लेके एंटर नहीं कर सकते नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर यस नेक्स्ट इज योर बस प्रोहिबिटेड बहुत सारी रोड्स होती है जहां पे कंजेशन को अवॉइड करने के लिए बस को रिस्ट्रिक्शन हो जाता है सो दिस इज योर बस प्रोहिबिटेड बस कोई भी एंटर नहीं कर सकती नेक्स्ट इज योर कार कार प्रोहिबिटेड कोई भी कार एंटर नहीं कर सकती उस पर्टिकुलर रोड पे कोई आपका डेडिकेटेड रोड बनाया हुआ है जैसे आप वहां पे किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हो वहां पे सो so, वहां पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कार प्रोहिबिटेड कार एंटर नहीं कर सकती या फिर बस बाई लेन जो थी ठीक है रैपिड आ, रैपिड बस ट्रांसिट सिस्टम जब बनाया था आपका जिसमें केवल एक्सक्लूसिवली बस रन कर सकती थी कोई भी और व्हीकल नहीं आ सकता था तो वहां पे क्या हो गया आपका कार प्रोहिबिट हो गया कार कैन नॉट एंटर दैट पर्टिकुलर रोड नेक्स्ट यस टू व्हीलर प्रोहिबिटेड यस टू व्हीलर कैन नॉट एंटर अ पर्टिकुलर रोड टू व्हीलर आपका एंटर नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर रोड पे जनरली जो आपका हाई स्पीड जो ट्रैक होते हैं आपका एक्सप्रेस वे होते हैं बहुत सारे एक्सप्रेस वे पे हम टू व्हीलर को अलाउ नहीं करते हैं तो वहां पे आपका क्या हो गया टू व्हीलर प्रोहिबिटेड साइकिल प्रोहिबिटेड यस आपको कभी भी नहीं दिखेगा मतलब आपका एक्सप्रेस वे पे या फिर नेशनल हाईवे पे साइकिल को प्रोहिबिट नहीं करते साइकिल मूव नहीं कर सकती ऑल ओवर इंडिया में कोई इतना फॉलो करता नहीं है बट टेक्निकली अलाउड नहीं होता है बिकॉज एक्सीडेंट हो जाएगा कंजेशन होगा क्योंकि साइकिल की स्पीड सफिशेंट नहीं होती अंटेनलेस साइकिल के लिए आपका डेडिकेटेड ट्रैक बना हो वहाँ पे, अदरवाइज आपको सर्विस रोड ही यूज़ करना अगर आपको साइकिल चलानी है तो जनरली आप एक्सप्रेस वे पर देखते हो आप साथ में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्सप्रेस वे आपको सर्विस रोड मिलेगी तो जो भी विलेजर्स हैं या जो भी स्लो मूविंग है आप उस पर मूव कर सकते हो आपको एक्सप्रेस वे पे एंटर करने की जरूरत नहीं है यस हॉर्न प्रोहिबिटेड बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पे आपका हॉर्न प्रोहिबिटेड होता है यू कैन नॉट ब्लो द हॉर्न सो ये हो गया आपका साइन नेक्स्ट इज नो एंट्री साइन यस यू कैन नॉट एंटर अगर ये साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ आप एंटर नहीं कर सकते ये साइन आपको पता होने चाहिए ये साइन का मतलब क्या है दिस इज नो एंट्री साइन नेक्स्ट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट साइन है एक बार ही देख लेना मैं कोड भी शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस क्लास यस वन वे साइन आपको दिख रहा है एक एरो एरो ठीक है है और ये है आपका दूसरा अपोजिट डायरेक्शन से वो कट है इसका मतलब क्या है अगर आपको साइन ऐसा दिख रहा है तो आप यू कैन एंटर ठीक है यू कैन एंटर यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रोड सो दैट इज वन वे रोड दिस इज वन वे रोड वन वे रोड है ये नेक्स्ट इज योर लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड यस मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल देके आपका रोड है लेफ्ट भी टर्न है राइट भी टर्न रहा है बट वहां पे लेफ्ट हैंड टर्न लेफ्ट हैंड टर्न आपका प्रोहिबिट क्या हुआ है आप लेफ्ट हैंड टर्न को नहीं ले सकते तो दिस इज द साइन यस नेक्स्ट साइन दिस नो पार्किंग साइन दिस इज द नो पार्किंग साइन अ मिनट दिस इज योर नो पार्किंग साइन यहां पे जो भी है आप आ, पार्क नहीं कर सकते अपने व्हीकल को सिंपल साइन है आपने देखा होगा बहुत बारी ये दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड लिमिट साइन ये आपका स्पीड लिमिट का साइन हो गया ये भी आपको दिख जाएगा जैसे ही आप कर्व पे एंटर करने वाले होते हैं तो इस टाइप का आपको साइन दिख जाता है यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे हमने स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आप इस लिमिट से ज्यादा आप अगर मूव करोगे तो आप अपने लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो आप अपने व्हीकल की सेफ्टी से रिस्क ले रहे हो तो यू आर सपोज टू मूव विद इन दिस पर्टिकुलर लिमिट इस लिमिट के अंदर ही आपको मूव करना है यस नेक्स्ट ओके ये इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइन है बिकॉज यू स्टडी दिस डिजाइन ऑफ पेमेंट डिजाइन ऑफ पेमेंट हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक्सेल लोड की बात आती है तो ये साइन आपको पता होना जरूरी है इसका मतलब क्या है दिस रिप्रेजेंट एक्सेल लोड लिमिट ये आपका एक्सेल लोड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेल पे ठीक है देखिए ये क्या शो कर रहा है दिस इज फोर टी फोर टन मीन्स एक्सेल पे आपका फोर टन से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए दिस इज द लिमिट अगर इससे ज्यादा अगर आप लोड कैरी करते हो उस पर्टिकुलर रोड पे सो आपको फाइन पे करना पड़ सकता है सो दिस इज वॉट लोड लिमिट ये आपको पता होना जरूरी है इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट इज योर मैक्सिमम स्पीड लिमिट यस आपने बहुत बार ही देखा होगा कर्व पे तो हमने स्पीड लिमिट को कॉमन कर दिया था बट बहुत सारी ऐसी रोड होती है जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल की लिमिट डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं डिफरेंट क्लास ऑफ द व्हीकल डिफरेंट स्पीड लिमिट वहीकल की सॉरी कार की स्पीड लिमिट कितनी है फिफ्टी बस और ट्रक की स्पीड लिमिट कितनी है फोर्टी जनरली आपको दिख जाएगा आपको सिक्सटी फोर्टी दिख जाएगा बहुत कॉमन है इंडिया में सिक्सटी फोर्टी कार के लिए लिमिट कितनी है सिक्सटी और बस और ट्रक के लिए लिमिट कितनी है फोर्टी तो आपको इसके इस स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है तो मेरी नेक्स्ट हाइट लिमिट दिस इज द हाइट लिमिट अब बहुत सारे देखो जो हम जब भी डिजाइन करते हैं वो हम मैक्सिमम हाइट ऑफ द व्हीकल को कंसीडर करके डिजाइन करते हैं बट बहुत सारे आपके ब्रिजेस आपको मिल जाएंगे रेलवे के ब्रिजेस होंगे वो आपके पुराने कंस्ट्रक्शन से बने हुए हैं ठीक है थीके? तो उस टाइम पे उतना हाइट नहीं होता था व्हीकल का तो वहां पे हम क्या करते हैं वहां पे हमको स्पीड को सॉरी हाइट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा मींस अगर व्हीकल की हाइट इफ द हाइट ऑफ द व्हीकल इज ग्रेटर देन 3.5 मीटर 3.5 मीटर से ज्यादा ग्रेटर है तो आप उस पर्टिकुलर रोड पर एंटर नहीं कर सकते हो सकता है आगे कोई ना कोई ब्रिज होगा या कोई लाइन होगा तो जनरली आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो कोई ब्रिज अगर होता है आप क्रॉस कर रहे हो तो उसके आगे एक बैरियर लगा होता है हाइट बैरियर एक हाइट का बैरियर होता है वो क्यों लगाया होता है वो इसलिए लगाया होता है कि बाई चांस बाई चांस कोई अगर उस पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा व्हीकल एंटर कर गया तो पहले ही वो बैरियर से कोलाइड करके रुक जाए उसको वार्निंग मिल जाए कि आपको आगे एंटर नहीं करना है अदरवाइज अगर उसको एंटर करने दिया अगर कर ये बैरियर हम नहीं इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा वो जो व्हीकल होगा वो आपके ये जो ब्रिज है ठीक है ब्रिज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है आपका उससे या फ्लाई ओवर हो गया उससे कोलाइड कर जाएगा तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या कर दिया High, हाइट लिमिट लगा दिया अब इंडिया में सिस्टम क्या है इंडिया में तो कोई देखता नहीं है इतना हाइट कितना है कितना नहीं है वो तो क्या करेगा रोड दिख रही है ट्रैफिक मूव कर रहा है तो वो भी मूव करेगा तो उसको स्टॉप करने के लिए हमने क्या कर दिया बैरियर लगा दिया पहले से ही पहले से ही हमने बैरियर को इंस्टॉल कर दिया ये जनरली बैरियर आपको कहां पे दिखेगा आपको रेलवे क्रॉसिंग पे ये दिख जाएगा या फिर कोई पुराना आपका रेलवे का ब्रिज होगा तो आप वहां पर आपको यह दिख जाएगा दोनों साइड में बैरियर लगा होगा अगर उससे ज्यादा आपकी व्हीकल की हाइट हुई तो आप एंटर नहीं कर पाओगे इंडिया में सिस्टम क्या है इंडिया में जो ट्रक्स होते हैं उसको ओवरलोडेड करके हम मूव करते हैं जितनी हाइट होनी चाहिए उससे भी ज्यादा हम लोड कर देंगे और फिर मूव करते हैं तो उस केस में दिक्कत हो सकती है यहाँ पे क्लियर तो बैरियर हम इंस्टॉल कर देते हैं यस नेक्स्ट साइन ओके यस वार्निंग साइन अब वार्निंग साइन की बात करते हैं हम पहला आपका क्या हो गया लेफ्ट हैंड कर फर्स्ट इज योर लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड कर्व कर्व अब हम left hand curve की बात कर रहे हैं <coughs> यहां पे आप आपको पता है ये आपको वार्निंग दे रहा है कॉशन कर रहा है कि आगे जो रोड है वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में टर्न हो रही है सिमिलरली यहां पे राइट हैंड डायरेक्शन टर्न हो रही है दिस इज योर राइट हैंड साइड हेयर पिन बेंड आपका एक इस तरीके से बेंड हो जाएगा राइट हैंड साइड और एक आपका इस तरीके से बेंड हो जाएगा दैट इज लेफ्ट हैंड साइड टर्न तो दिस इज योर हेयर पिन बेंड नेक्स्ट इज योर राइट रिवर्स ये सारे bends जो आप मिलेंगे, generally आपको मिलेंगे जनरली आपको में दिख जाएंगे. राइट right रिवर्स मतलब क्या हुआ आपका रोड से then reverse हुआ then वापस इस तरीके से. ये आपको जनरली हिली एरिया में ही मिलेगा बिकॉज वहां पे कंस्ट्रेंट होता है अदरवाइज प्लेन एरिया में तो यहां पे कट करके उसको स्ट्रेट कर देते इस तरीके से नहीं करते नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट एग्जाम्पल के दिस इज योर दिस इज योर ट्राफिक सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल का साइन है जब आप एक रोड से जहां पर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं था आप दूसरे रोड में एंटर करते हो जहां पर ट्रैफिक सिग्नल है आपको ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है सो so पहले से ही आपको वार्निंग दे दिया पहले से ही वार्निंग दे दिया दैट यू नीड टू फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल आपको ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है उसको कंसिडर करना है क्लियर सो दिस इज द साइन फॉर दैट नेक्स्ट इज योर मेजर रोड अहेड आपको पता है रोड इंटरसेक्शन पे दो टाइप के रोड आपका क्रॉस कर सकती है ठीक है कैसे या तो दोनों मेजर हो या फिर एक मेजर और एक माइनर हो तो यहाँ पे साइन क्या शो कर रहा है आपका जो वर्थ शो कर रहा है ठीक है? है एक में ज्यादा है एक में कम है तो उसका मतलब क्या हुआ एक आपका मेजर रोड है एक आपका माइनर रोड है तो इससे क्या पता चल जाएगा आप माइनर रोड पे हो तो आपको कंसीडर करना है कि जो मेजर रोड पे है वो ट्रैफिक ज्यादा है हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा सो दिस इज वॉट दिस इज वार्निंग नेक्स्ट नेक्स्ट इज राउंड अबाउट यस राउंड अबाउट के बारे में इंफॉर्मेशन है आगे कोई रोड पे जाके राउंड अबाउट आ रहा है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी आपको पता है राउंड अबाउट में जब आप एंटर करते हो तो आपको स्पीड रिड्यूस करनी होती है ऑल दो उसके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं बट स्टिल आपको पहले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टू वन द ड्राइवर दैट देयर इज अ राउंड अबाउट अहेड सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल इज यूज नेक्स्ट इज स्टैगर्ड इंटरसेक्शन यस इस टाइप के भी आपके इंटरसेक्शन होते हैं स्टैगर्ड मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस ये आपका रोड था जनरली रोड क्रॉस करता है एक ही पॉइंट पे और यहां पे कैसे हो रहा है इस तरीके से हो रहा है इट इज समथिंग लाइक दिस सो इट इज इज इंटरसेक्शन तो ये आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सॉरी वार्निंग प्रोवाइड कर दी पहले से नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट इज योर क्रॉस रोड यस रोड आपका क्रॉस हो रहा <coughs> this, this is cross road intersection है दिस दिस इज क्रॉस रोड इंटरसेक्शन है सो आपको पता चल गया कि आगे आपका क्रॉस रोड है तो आपको अपना स्पीड को रिड्यूस करना है आपको दोनों साइड के व्हीकल को कंसीडर करना है ओके okay. यस yes. तो ये सिस्टम है आपका रोड वाइडेंस ठीक है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या शो कर रहा है आपका रोड वाइड हो रही है पहले आपका रोड लेट्स से टू लेन था बाद में जाके आपका थ्री लेन हो रहा है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नेक्स्ट इज नैरो ब्रिज कोई नैरो ब्रिज आ गया वहां पे तो आपको पता है कि आगे आपका जाके रोड कुछ टाइम के लिए जो ब्रिज है उसकी जो विर्थ है वो रिड्यूस हो रही है तो आपको वो चीज कंसीडर करनी पड़ेगी आप अलर्ट हो जाओगे आपको अलर्ट होके चलना पड़ेगा नेक्स्ट इज स्टार्ट ऑफ डूअल कैरेज वे स्टार्ट ऑफ डूअल कैरेज वे आप सिंगल कैरेज वे से डूल कैरेज वे सिंगल कैरेज वे का मतलब ये नहीं है कि आपका सिंगल लेन होगा सिंगल कैरेज वे मतलब आपका टू वे मूवमेंट अलाउड था इस तरीके से मतलब अनडिवाइडेड रोड अगर डूअल कैरेज वे की बात करता हूं सो दैट इज वॉट दैट इज डिवाइडेड रोड दिस इज अ डिवाइडेड रोड इस तरीके से आपका मूवमेंट चल रहा होगा तो जैसे ही आप एंटर करते हो फ्रॉम आ वन वे रोड टू आर सॉरी टू आर टू वे रोड टू आर वन वे रोड सिंगल टू डूल तो इस तरीके का साइन यूज होता है यह क्या होता है आपका एंड आप देखो डूअल थे आपका डिवाइडेड रोड था डिवाइडेड रोड से आप अनडिवाइडेड रोड में एंटर कर रहे हो सो दिस इज द पर्टिकुलर साइन नेक्स्ट दिस गैप इन मीडियन यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन ये आपको जनरली दिख जाएगा ये आपका कोई भी डिवाइडर है डिवाइडर में ऑब्वियसली कट होंगे कुछ कट प्रोवाइड के होंगे कट की इंफॉर्मेशन ठीक है गैप इन मीडियम आपको पहले से ही प्रोवाइड कर दिया सो so दैट देखो इस गैप से कोई ना कोई एंटर कर रहा होगा कोई ना कोई क्रॉस कर सकता है सो so आपकी को ये पता होना जरूरी है बिकॉज यू आर एबल टू स्पीड रिड्यूज द स्पीड आपको स्पीड रिड्यूस करनी पड़ सकती है सो so अगर ये साइन बोर्ड होगा तो आप अलर्ट हो जाओगे पहले से ही आप हंड्रेड की स्पीड से मूव करोगे तो आप स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर लोगे आप अलर्ट हो जाओगे कि कोई व्हीकल एंटर तो नहीं कर रहा कोई व्हीकल एग्जिट तो नहीं कर रहा है बिकॉज वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं जब आपका डिवाइडर है तो यहाँ पे तो आपको पता है इस पर्टिकुलर रोड लेंथ पे डिवाइडर है तो आपको पता है कोई भी व्हीकल क्रॉस नहीं कर रहा होगा जो कि हम एक्सप्रेस वे में प्रोवाइड करते हैं एक्सप्रेस वे में डिवाइडर पे आपको कभी भी कोई भी कट नहीं मिलेगा सो so, ये साइन तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं है केवल दो तीन कट बीच में हम प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो भी सर्विस व्हीकल्स हैं आपके वहां पे प्लांटेशन है उसमें वाटरिंग करनी है कोई इमरजेंसी व्हीकल हो गया तो उसको अगर लेन चेंज करनी है तो उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल कंडीशन के लिए नहीं होता दैट इज वो जो गैप होगा वो भी क्लोज होता है और जब व्हीकल को सर्विस व्हीकल को जब क्रॉस करना होता है तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट वो लोग करते हैं इन्फॉर्म करते हैं पहले से ओके नेक्स्ट दिस ऑपरेशन दिस इज टू वे ऑपरेशन यस दिस मीन्स सिंगल कैरेज वे आपका सिंगल कैरेज वे है दोनों डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है टू वे डायरेक्शन इसका मतलब क्या होगा टू वे ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड जो भी रोड को आप क्रॉस कर रहे हो इट इज समथिंग लाइक दिस ये आपका सिंगल लेन था बट दिस इज अ दिस इज अ टू लेन रोड क्लियर सो द क्रॉसिंग रोड हैज टू वे ट्रैफिक अब आपको क्या करना है आप जब इस रोड को क्रॉस करोगे तो आपको दोनों तरफ के ट्रैफिक को कंसीडर करना पड़ेगा जैसे क्या बोलते थे जब आप बचपन में थे जब रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते थे तो क्या है? स्कूल में पढ़ाया जाता था आपको कि आपको दोनों डायरेक्शन में देखना है रोड जब आपको क्रॉस करनी है तो दोनों डायरेक्शन में देखना है सेम वही चीज है आपको यहां पर भी दोनों डायरेक्शन में देखना है नेक्स्ट इज दिस ब्लाइंड पर्सन लाइकली टू रोड लाइकली ऑन रोड अहेड यस इसका साइन का मतलब क्या है कि आगे जो रोड है वहां पे जो ब्लाइंड पर्सन है जो स्पेशली आपका एबल्ड जो पर्सन होते हैं ठीक है वो रोड को क्रॉस कर सकते हैं मे भी हो सकता है ब्लाइंड स्कूल हो आगे कोई तो वहां पे वो लोग क्रॉस कर सकते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले से ही प्रोवाइड कर दी ड्राइवर को दैट द पर्सन क्रॉसिंग इज ब्लाइंड इज नॉट एबल टू सी यू आपको नहीं देख सकता आपके व्हीकल को नहीं देख सकता सो रिस्पॉन्स सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं ड्राइवर हूं और ये साइन मेरे सामने आ रहा है तो अगर मैं किसी को भी हिट करता हूं तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा बिकॉज मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि दैट ब्लाइंड पर्सन लाइकली ऑन द रोड अहेड तो आपको अपनी सेफ्टी भी इंश्योर करनी है और आपको ब्लाइंड पर्सन की भी सेफ्टी इंश्योर करनी है नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर यस नेक्स्ट डेफ पर्सन लाइकली ऑन रोड यस बिल्कुल सही बात है दिस इज द साइन ठीक है ये साइन है किसका डेफ पर्सन का कोई भी एक डेफ पर्सन है दैट इज स्पेशली एबल्ड पर्सन सो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी अवेलेबल माइट बी अवेलेबल ऑन द रोड अहेड वो आगे रोड पे अवेलेबल हो सकता है सो so, यहाँ पे उसी तरीके से जैसे ब्लाइंड पर्सन के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया था वैसे ही यहाँ पे डेफ पर्सन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही बता दिया नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटरी साइन की अगर बात करते हैं जस्ट अ मिनट यस यस ये आपके हो गए साइन दिस इज वॉट दिस इज डायरेक्शन टू अहमदाबाद ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे डायरेक्शन साइन शो कर रहा है आप स्ट्रेट जाओगे तो अहमदाबाद है लेफ्ट जाओगे तो सूरत है राइट जाओगे तो बडौली उसी तरीके से आपका रोटरी पेंट दिखाता है क्या क्या डायरेक्शन है अगर आप फर्स्ट एग्जिट लोगे फर्स्ट एग्जिट आप लेते हो दैट इज लेफ्ट अगर इस डायरेक्शन से आप जा रहे हो आप अगर लेफ्ट टर्न लेते हो तो ईस्ट फोर्ट के लिए है ठीक है <coughs> स्ट्रेट जाते हो तो कोवलम राइट जाते हो तो आप वल <coughs> वलक का डाउ ओके ठीक है तो आप राइट जाओगे तो वलक डाऊ शो कर रहा है तो दिस इज वॉट दिस इज वॉट इंफॉर्मेटरी साइन ये आपका साइन है क्या शो कर रहा है आपको डायरेक्शन शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में कौन सी लोकेशन आपको मिलेगी तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन साइन मिल जाता है नेक्स्ट दिस इज योर फैसिलिटी साइन ये आपका फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपका ईटरी प्लेस लाइट रिफ्रेशमेंट ठीक है रेस्टिंग प्लेस फर्स्ट एड पोस्ट ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है अगर आपको इसमें से कोई भी यूज करना है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे इसका मतलब क्या फाइव हंड्रेड मीटर क्या है फाइव हंड्रेड मीटर पे आपको ईटरी e प्लेस है वहां पर वहां पे कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है कोई मोटल हो सकता है कोई होटल हो सकता है आपका नेक्स्ट इज योर दी टू साइन लास्ट यस दिस इज द पार्किंग साइन ये आपका पार्किंग साइन हो गया यहां पर आप, आपका इस तरीके का साइन लगा हुआ है सो दैट पार्किंग इज अलाउड यू कैन पार्क योर व्हीकल ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन नेक्स्ट दिस दिस इज ऑल्सो आ इन्फॉर्मेटरी साइन आपका हॉस्पिटल की लोकेशन शो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड एट 500 मीटर डिस्टेंस नेक्स्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वन के सॉरी पब्लिक टेलीफोन यस आजकल तो सेलफोन हो गया है बट पहले के टाइम पे पब्लिक टेलीफोन का बहुत इंपॉर्टेंस था सो so वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है सर इफ यू नीड टू यूज अ पब्लिक टेलीफोन यू कैन यूज़ इट नेक्स्ट इज यू टर्न हेड यस ऑब्वियसली आपको लेन चेंज करना है आपको पाथ चेंज करना है तो आपको यू टर्न की जरूरत पड़ेगी तो यू टर्न की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे नेक्स्ट इज योर पेडिस्ट्रियन सबवे यस कोई पेडिस्ट्रियन सबवे है उसका इन्फॉर्मेशन है सो दिस इज प्रोवाइडेड इन दिस फॉर्म तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रैफिक साइन दैट यू नीड टू रिमेंबर अब आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं वो बस समझ लेना आपका क्वेश्चन एक आएगा कि शेप क्या होती है तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके साइन हैं उसमें शेप क्या होती है दिस मैडेटरी और रेगुलेटरी साइन या प्रोर्बिट्री साइन उसकी शेप क्या होती है सर्कुलर शेप होती है एक्सेप्शन कौन से है दो आपके एक्सेप्शन है एक है आपका स्टॉप साइन हो गया दूसरा आपका एक्सेप्शन हो गया गिव वे साइन स्टॉप साइन का शेप क्या होता है ऑक्टागोनल एंड गिव वे साइन का क्या होता है आपका ट्राइंगर इन्वर्टेड ट्राइंगल नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड इज योर वार्निंग साइन वार्निंग साइन की शेप क्या होती है डैट इज ट्राइंगुलर दैट इज योर ट्राइंगर शेप वो ट्राइंगर शेप में आपको मिल जाएगा एंड थर्ड आपका क्या होता है थर्ड इज योर इन्फॉर्मेटरी साइन इन्फॉर्मेट्री साइन इन्फॉर्मेट्री साइन क्या होता है आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है वो सारे के सारे कॉमन है दैट विल हैेक्टेंगुलर शेप यस दैट विल शेप एंड कलर की बात करें तो कलर आपको ध्यान होना चाहिए कलर क्या था आपका फॉर नेशनल हाईवे इट वॉज दिस योर ग्रीन आई थिंक ग्रीन या ब्लू था जस्ट अ एंड नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे एमडीआर के लिए आपका ग्रीन एंड व्हाइट ब्लू एंड व्हाइट ग्रीन एंड व्हाइट तो यह सारी चीज आपको पता होने जरूरी है शेप क्या थी कलर क्या था और जो बेसिक साइन है आप उसको रीड करके बता सको उसको देख के बता सको कि वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको केवल इतना ही मिलेगा ठीक है इतनी ही फिगर आपको मिलेगी ये नीचे नहीं लिखा होगा कभी भी ट्रैफिक साइन पे ये लिखा नहीं होता है केवल ये साइन बना होता है रिटर्न कुछ नहीं होगा वहां पे। तो आपको साइन देख के समझना है कि यहाँ पे यू टर्न है क्लियर सो दिस इज दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो रिलेटेड टू ट्रैफिक साइन जो भी इंफॉर्मेशन थी दैट इज एज पर आई आर सी सिक्सटी सेवन टू थाउजेंड ट्वेल्व सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली है मैं अभी क्लास एंड होते ही आपको ये जो पर्टिकुलर कोड है ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा तो आप उसको देखना होगा डिटेल में तो आप उसको देख सकते हो ओके सो विल एंड सेशन विल मीट टमोरो एट सेम टाइम एंड वील अंडरस्टैंड ऑल द ट्रैफिक सॉरी एक्सीडेंट स्टडी एक्सीडेंट स्टडी को पढ़ेंगे कल हम ओके सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिसशन वील एंड द सेशन नाउ